गंज बसौता से 30 किलोमीटर त्योंदा के पुलिस चौकी पर एक पीड़िता अपने माँ बाप के साथ न्याय की गुहार लगाने के लिए पहुंची, जहां पीड़िता के परिजनों का आरोप है कि पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसको लेकर बुधवार को त्योंदा थाने में डीएसपी आकांक्षा जैन ने पीड़िता का बयान लिए और न्याय दिलाने की बात कही। दो डीएसपी की टीम पहुंची, जहां दोनों पुलिस अधिकारियों ने बच्ची और उसके परिजनों से चर्चा की। अधिकारियों ने बताया कि अभी बयान लिए गए हैं, उनकी जांच की जाएगी, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। बुधवार को पुलिस अधीक्षक के निर्देश के बाद त्योंदा के मामले की जांच करने के लिए उन्होंने डीएसपी आकांक्षा जैन और एजेक डीएसपी सौरभ तिवारी त्योंदा थाने पहुंचे, जहां उन्होंने बच्ची और उसके परिजनों का बयान लिए। यह जांच करीब 2 घंटे से अधिक चली। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने कई बिंदुओं पर उनसे चर्चा की। मीडिया से चर्चा के दौरान डीएसपी आकांक्षा जैन ने बताया कि इसी गांव की एक नाबालिग बच्ची 16 जून को गुम हो गई थी। इस पर बच्ची के पिता का कहना था कि पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। एसीपी के निर्देश के बाद हम शिकायत की जांच करने आए हैं। जांच के दौरान पता चला कि 2 दिन बाद ही त्योंदा पुलिस द्वारा धारा 363 की कयामी की गई थी और 18 जून को बच्ची को खोज लिया था। डीएसपी आकांक्षा जैन ने बताया कि 21 जून को 164 के बयान बच्ची के कोर्ट में कराए गए थे और 22 जून को बच्ची को परिजनों को सौंप दिया गया था। उन्होंने बताया कि आज हमने बच्ची और परिजनों के बयान लिए हैं, 1-2 दिन में उनकी जांच की जाएगी। पुलिस द्वारा लगातार उनको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। इतना सब ऐसे तो ये है कि अगर लड़की के संग गलत काम हुआ या नहीं हुआ, लेकिन जब डराया धमकाया जा रहा है, उनके परिजनों के संग मारपीट की जा रही, घर में तोड़फोड़ की जा रही है, तो ये तो वैसे एक दूसरा अलग हो गया ना। इस विषय में तो आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सकता है, उनसे पूछताछ की जा सकती है, आगे और भी बड़ा मामला हो सकता है। अगर कोई बड़ा घटना हो जाए तो जिम्मेदार कौन होगा? मैं और थाना प्रभारी त्योंदा शीघ्र ही इस विषय पर निष्कर्ष निकाल के जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी करेंगे। पीड़िता को 100% न्याय मिलेगा। हमारी पुलिस की कार्रवाई निष्पक्ष है। अधीक्षक महोदय के माध्यम से मैं डीएसपी आकांक्षा जैन CAW और डीएसपी सौरभ तिवारी AJ के हम लोगों की संयुक्त एक टीम बनाई गई, जिसमें पुलिस अधीक्षक महोदय कुछ दिनों से शिकायतें प्राप्त हो रही थी। एक नाबालिग बच्ची थी जिसके पिता ने शिकायत की थी कि पहले शिकायत की थी कि उसकी बच्ची गुम हो गई है, और जो बच्ची गुम हुई है तो उसकी दस्तयाबी से संबंधित, और एक और शिकायत हुई थी कि पुलिस द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इस संदर्भ में हम दोनों की एक ज्वाइंट टीम बनाई गई, और फिर जो शिकायतों पर आज हमने यहाँ आके देखा और निष्कर्ष निकाला, तो उसमें ये है कि जो बच्ची गुम हुई थी तो उसके within 2 days में ही, जब उसके पिता यहाँ पर आए थे, पिता का नाम लिए, अब स्टेटमेंट के आधार पे मैं और DSP सौरभ तिवारी एक निष्कर्ष निकालेंगे कुछ दिन में कि आखिर क्या हुआ था, क्या घटनाक्रम था, और उसके आधार पे जब हम पूरी जांच कर लेंगे उसके बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। कि आप जो सवाल पूछ रहे हैं कि लड़की ने क्या क्या बताया और उसके परिजनों ने क्या क्या बताया, तो हम जांच होने के बाद ही इस बारे में कुछ कह पाएंगे। मैडम, जिस तारीख में अपन को लड़की बरामदगी हुई मिली थी, उस तारीख में अपन ने मेडिकल कराया था लड़की का? जी, उस तारीख को हमने मेडिकल कराया था बच्ची का। मेडिकल में क्या आया, वो उसने बता रही है, क्या वो मेडिकल में ऐसा कुछ आया है? मेडिकल में क्या आया और ये सब स्टेटमेंट के बाद जो सभी जांचें हैं वो हम कुछ दिन बाद ही आपको एक संयुक्त निष्कर्ष निकाल के ही आपको आपके सामने रख पाएंगे। तो इस पर क्या कार्रवाई होगी, जो आरोपियों ने डराया धमकाया गया है? देखिए, जब भी हमें जब बच्ची दस्तयाब हुई, और तब से ही बच्ची हमारे संरक्षण में रही। जब बच्ची को दस्तयाब किया गया, उसके बाद बच्ची को त्योंदा थाना लाया गया, त्योंदा थाने में महिला अधिकारी द्वारा बच्ची के बयान हुए, उसके बाद बच्ची को देहात बासोदा में ले जाया गया, देहात बासोदा में उप निरीक्षक प्रियंका दुबे द्वारा बच्ची के बयान हुए, तत्पश्चात बच्ची को महिला सुरक्षा केंद्र में रखा गया, और महिला सुरक्षा केंद्र के बाद सीधे बच्ची को कोर्ट में जाकर 164 के बयान करवाए गए। तो इस दौरान बच्ची को जो आरोपी हैं, संदिग्ध हैं,
हैं उन द्वारा जो डराए धमकाए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि बच्ची शुरू से ही पुलिस के संरक्षण में रही है और महिला अधिकारियों द्वारा ही उसके बयान लिए गए हैं और उसे ना पुलिस द्वारा और ना ही किसी द्वारा कोई भी डराया धमकाया नहीं गया है। मैडम, पीड़िता ने ये भी बयान दिया है कि उक्त आरोपियों ने उसके घर पे भी मारपीट करी, उसकी माता के संग मारपीट करी, उसके घर में भी तोड़फोड़ करी है, तो क्या पुलिस? हमारे घर पे कोई नहीं था, हमारे माँ पापा काम पे गए थे तो हम अकेले थे, हमारा छोटा भाई था। तो 16 तारीख को पवन लोधी, महेश व्यास, गोलू व्यास और मोनू महाराज जो चारों हमारे लिए घर पे आए, तो उन लोगों ने हमारे लिए ढाबे पर ले गए ज़बरदस्ती उठा के, और महेश व्यास ने हमारे लिए कोल्ड ड्रिंक पिलाई, हमारे लिए कोई होश नहीं रहा साहब, और ये लोग पता नहीं हमारे लिए कहाँ पे ले गए, और इन लोगों ने हमारे साथ उल्टे सीधे काम किए साहब। और जब सुबह 4 बजे हमारे लिए होश आया तो हमारे कपड़ा अस्त व्यस्त डले थे, तो साहब इन लोगों ने हमारे साथ उल्टे सीधे काम किए चारों ने, और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है साहब यहाँ पे कहीं भी। कितने दिन हो गए जो आपकी सुनवाई नहीं हुई? अभी 8 ही दिन हुई है साहब, 8-10 दिन। कोई मामला दर्ज नहीं हुआ? नहीं। बुढ़िया, जब जो पहले दिन जब तुम थाने आई थी, जब तुमने क्या बयान दिए थे? हमारे लिए धमकाया गया था तो हमने ये बोल दिया था कि हमारे पापा और राघविंद्र मैना ये दोनों हमारे लिए पेट्रोल डाल के आग लगा रहे साहब, हमारे लिए राकेश महेश व्यास ने धमकाया था और बोला था कि तेरे मम्मी पापा को हमने मार के फेंक दिया। ठीक, अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि इन चारों को सजा मिले। अब ठीक, ठीक।